न्यूज मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। अब्दुल रोजी का असली चेहरा सामने लाना चाहती है अर्चना, और ये बात अर्चना ने जो है प्रियंका चहार चौधरी को बोली है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अर्चना काफी सारी बातें प्रियंका के साथ करती हुई नजर आई, जहां पर वो ये अब्दुल रोजी के बारे में बात कर रही है कि अब्दू जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जब अब्दू को मैं छेड़ रही थी, जब उसका असली चेहरा सामने लेके आई थी, तब उसको कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके काफी सारे दोस्त रहे होंगे जिन्होंने बताया होगा कि भाई तू आराम से चलना, तेरे में क्यूटनेस है, तू क्यूट तरीके से चलना। अभी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चल रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई मैं उसको नेगेटिव डालना चाहती हूँ, पर चाहे कोई कॉमेडियन होता है, चाहे वो कितना भी साइलेंट बंदा रहता है, उसको गुस्सा जरूर आता है। इसको भी गुस्सा आता है और इसको गुस्सा आ रहा है। और यहां पर इसने ये भी बात बोली थी, जब मैंने इसको टोन मारी थी कि भाई तू तो इसकी बातें सुनता है, तू तो इसके साथ गेम खेलता है, तब उसने ये बात बोला था, मैं सबकी बातें सुनता हूं, मैं शिव की भी सुनता हूं, मैं साजिद की भी सुनता हूं, मैं सबकी सुनता हूं, पर करता मैं अपनी हूं, मैं स्मार्ट हूं। ये बात जो है अब्दुल रोजिक अर्चना के साथ करते हुए नजर आए और काफी ज्यादा एक्चुअली में गुस्सा दिखाते हुए नजर आए, जहां पर अर्चना को लगता है कि जनता भी जो है इनकी क्यूटनेस तो देख चुकी है, पर जनता को एक अलग फेस भी देखने के लिए मिलना चाहिए। और मैं तो भाई इसका असली चेहरा जो है, इसका अगर गुस्से वाला जो चेहरा है वो मैं बाहर जरूर निकालूंगी। ये बातें जो है अर्चना करती हुई नजर आई प्रियंका के साथ, और अब्दुल रोजिक भी काफी सारी चीजें घर में कर रहे हैं जो कि आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाई देंगी, क्योंकि अब्दुल रोजिक काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके काफी सारे लोगों से, और उनका जो क्यूट फेस है, जो क्यूट अंदाज है, वो तो आप लोगों को देखने के लिए अब तक मिला है, पर अब से जो है अब्दुल रोजी का आपको अलग चेहरा भी देखने के लिए मिलेगा। और एक्चुअली में श्रेय अगर दे तो अर्चना को ही दे सकते हैं, क्योंकि अर्चना पीछे पड़ चुकी है कि भाई मैं इसका गुस्से वाला फेस तो जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे देखने का मन है कि आखिरकार इसको गुस्सा आता है या नहीं। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।